अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी, और बात यह है कि पोलियो सर्टिफिकेट के हवाले से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। इंटरनेशनल जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पोलियो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, बिलखसूस जो स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं या वो लोग जो वर्क वीज़ा के साथ बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, उनसे बाकायदा तौर पर एम्बेसी के अंदर कंप्यूटराइज्ड पोलियो सर्टिफिकेट तलब किया जाता है। मगर आज करंट डेट की बात करूँ तो 13-14 अक्टूबर, इन दिनों में मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मामला ये है कि जो अपना कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स थे उनकी आईडीज़ गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर बंद कर दी। बाकायदा तौर पर वो आईडीज़ बंद हो चुकी और कंप्यूटराइजेशन वाले सर्टिफिकेट अब नहीं बन रहे गुज़िश्ता कई दिनों से। सिर्फ और सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के DHO ऑफिस से जाकर लोग वैक्सीन लेते हैं और मैनुअली उन्हें येलो कलर का एक कार्ड बना के उस पर पेंसिल पेन से जो है वो नाम वगैरह शनाख्ती कार्ड वगैरह इंटर करके दे दिया जाता है। अब मामला यहाँ पे एक और ये आया है कि भाई कुछ आईडीज़ गवर्नमेंट्स की एक्टिव भी हैं और वहाँ से जो है वो कार्ड्स बन भी रहे हैं। वो इस बिहाफ पे बन रहे हैं कि कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वो ये आपका मैनुअल वाला गवर्नमेंट का कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें कंप्यूटराइज कार्ड चाहिए जो नादरा से रजिस्टर्ड हो। मगर अब हुआ यह है कि क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत आम है कि जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो फिर उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आम सी मार्केट की भी आपने मिसाल देखी होगी कि टमाटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, कोई चीज़ मार्केट से और शॉर्ट हो जाती है उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। बल्कि गुज़िश्ता सालों में आपने देखा मेडिसिन शॉर्ट हुई तो पैनाडोल की प्राइस जो है वो 100-100 रुपये का एक स्ट्रिप उसकी लोगों ने बेची। तो इसी फार्मूले के मद्देनज़र लोगों ने जो है वो ये किया है कि भाई पोलियो सर्टिफिकेट की जो फ़ीस 500, 100, 200, 400, 1000 इसके लिमिट में थी, वो फ़ीस अब 2500 से 3000 रुपये तक जा चुकी है। यानी वो लोग जिन्हें लाजमी तौर पर कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उनको कम से कम जो फ़ीस अदा करनी होगी वो 2500 से 3000 के दरमियान है। यानी फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया गया। अब मैं नहीं जानता, क्योंकि ज़ाहिर है मैं घर में बैठा हुआ एक जनरल जो अपने सराउंडिंग के लोग हैं उनसे नॉलेज लेकर आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने कितनी फ़ीस बढ़ाई है या बीच के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या मामला किए हैं, इसका कोई ख़ास इल्म नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर अनाउंस भी नहीं किया है, उनकी वेबसाइट से अभी तक कुछ बाकायदा तौर पर वाजे नहीं कर हुआ है अभी तक, तो मुमकिन आने वाले दिनों में वो कुछ अपनी वजाहत दें या कोई वीडियो वगैरह उनकी या कोई वेबसाइट पे अपडेट आ जाए। लेकिन फ़िलहाल करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि भाई पोलियो सर्टिफिकेट अगर आप जनरल उम्रे के लिए बनवाना चाहते हैं तो फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ग्रुप जा रहे हैं, तो अगर आप बगैर पोलियो के भी उम्रे पर चले जाते हैं तो कोई नो इशू, आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक अपना दिल में एक बात होती है कि भाई क्योंकि उन्होंने लाजमी करार दिया हुआ है तो हो सकता है कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो आप एहतियाती तौर पर फ़िलहाल जो मैनुअल वाली वैक्सीनेशन है वो करवा लें और मैनुअल वाला कार्ड अपने पास रख लें, संभाल के उसकी कॉपी करके रख लें अपने पास, ठीक है। फ़िलहाल ये कर लें, जैसे ही पोलियो की वैक्सीनेशन आईडीज़ पर ओपन हो जाएगी और बआसानी ये जो कार्ड्स हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो वो लोग जो इस तरीके के किसी भी सिलसिले में जो है वो प्रोसेस के अंदर हैं वीज़े के लिए या कहीं जाने के लिए और उन्हें पोलियो या कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, तो फ़िलहाल दोनों ही जो आईडीज़ हैं वो इस वक्त ऑफ चल रही हैं, ना कोविड का कोई सर्टिफिकेट निकाल के दे रहा है ना पोलियो का। और इस दौरान ही में अगर कोई शख्स आपको पोलियो या कोविड निकाल के देता है तो इस बात पर बिल्कुल तवज्जो रखिएगा कि आप उसे वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, वरना लोग ये कर रहे हैं कि एडोब फोटोशॉप से जो है वो उसको एडिट करके और बाकायदा तौर पर ऐसा लगेगा आपको कि ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा बल्कि वो फेक होगा। जैसे किसी भी किस्म के स्कैम से भी बच के रहें, आपके पैसे यकीनी तौर पर कीमती हैं कि बिना वजह आप किसी को पैसे देके जाया करें, क्योंकि मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा तौर पर ऐसा एक मामला हो चुका है और एक साहब ने जो है वो अडोब के ज़रिए इस तरीके से डिज़ाइन करके दे दिया था और वो किसी थर्ड पार्टी का था, जिसकी वजह से मुझे बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और वो रेड टू रेड सीन था बिल्कुल, मगर इन साहब ने गलत बयानी की और वहाँ से वो साहब बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बीच में मैं बिला वजह ना लेना एक ना देना दो बिला वजह परेशान हुआ। तो इसलिए क्योंकि मैं इसमें मुझ पर गुजर चुकी है, मेरे साथ ये सीन हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ लें तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें, वरना फ़िलहाल इस ऑप्शन को अपनाएंगे भाई, आप मैनुअल वाला कार्ड ले लें, पोलियो की वैक्सीन पिए और मैनुअल वाला कार्ड लेके आप ट्रैवल करें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उम्रे वालों के लिए तो मेरा अभी यही मशवरा है, फ़िलहाल आप जब तक कोई बहुत ज़्यादा सख्ती की खबर हमारे पास नहीं आती तब तक आप बआसानी ऐसे ही ट्रैवल करें। अगर मुझे कोई ख़बर ऐसी आएगी तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर फौरी तौर पर अपडेट डाल दूंगा, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन छोड़ के कोई ना कोई जा रहा होता है, कोई ना कोई आ रहा होता है, तो सारी की सारी अपडेट्स हमें मुस्तकिल तौर पर रहती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मामला होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उस अपडेट को हासिल करने के लिए आपने ये करना है
या चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाएगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।